फ्रेंड्स हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम सेफ सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको बहुत रेडी सी दिख रही हूँ। मैंने ये वाला सूट पहना है, सिंपल सा सूट है जो मैंने स्टिच करवाया हुआ है और मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ मैं आपको ऑन द वे बताती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। रेडी हो रही हूँ मैं और रेडी होते होते निकलते जा रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। मम्मी पापा हम फैमिली सभी जा रहे हैं, बस कुहू की चाचा नहीं है। और देखिए मैं कुछ ऐसी रेडी एकदम सिंपल सी, और चल के मैं बताती हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। जहाँ घूमने जाना है हमें, वहाँ के लिए हम निकल गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, जो मंदिर का नाम है वो है अदासा टेम्पल, जो कर्मेश्वर के आगे आता है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को ऑन द वे बताऊंगी, तो मैंने बता दिया है फ्रेंड्स। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देखिए कुछ ऐसा है यहाँ का प्रीमाइसेस। मैं पूरा आप लोगों को घुमाऊँगी, पूरा दिखाऊँगी कैसा है अदासा टेम्पल। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अदासा। ये अदासा टेम्पल है जो कि कौन से रूट पे है वो मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगी आप लोगों को। हम अदासा टेम्पल में आए हुए हैं और सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं। और यहाँ पर पूजा की जो थाल वगैरह होती है तो वो ले रहे थे हम लोग, बस इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े थे। इसके बाद हम लोग फिर से अंदर जाएंगे और अंदर जो मंदिर है वहाँ पर जाएंगे। ग्लो करत आहे वो दीदी ताई पायरन जाते मंदिरात, पायरन सर जाते। ये मेरी खूप हाय करो बेटा, हाय करो, हाय। चलो चलो, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके ही अपनी वॉइस डालती हूँ फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा फ्रंट कैमरे से बात नहीं करती हूँ कि हर कोई मुझे चिढ़ाता है मैं जब व्लॉगिंग करती हूँ तो। और यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, वो इसीलिए क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी व्लॉगर नहीं है, कोई भी व्लॉगिंग नहीं करता है, मतलब दूर दूर तक कोई व्लॉगिंग नहीं करता है। तो सबके लिए थोड़ा नया नया ऐसा है ये, इसलिए सब लोग कभी कभी हंसते हैं और मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो सबसे पहले ये मंदिर है स्टार्टिंग में ही छोटा सा, तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी क्योंकि आते वक्त भी पड़ेगा वो मंदिर। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, जो मेन मंदिर है, मेन गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से वैसे तो मंदिर का बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, बट यहाँ से थोड़ा बहुत मंदिर का लुक आप लोगों को देखने मिलेगा। थोड़ा डाउन में है मंदिर, तो मंदिर के आगे में एक छोटा सा गांव भी है, तो घर वगैरह बने हुए हैं आगे। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड में जो आप लोगों को ये दिख रहे हैं, ये जूम करके मैंने दिखाई, ये घर बने हुए हैं, यहाँ पर कोई गांव है। और साइड में ये पूरा प्रीमाइसेस है, आगे भी पीछे में भी बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है। तो मैंने तो आगे का सीन ही कैप्चर किया है यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर टॉर्टोइज यानी कछुआ की मूर्ति, कछुआ का एक मूर्ति बनी हुई है, उसकी पूजा होती है यहाँ पर। ये देखिए, और यहाँ पर जो ये कछुए की मूर्ति है, इसके जस्ट एग्जैक्ट फ्रंट से गेट है और गेट के फ्रंट में ही मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर गणेश जी की बहुत बड़ी वाली सी मूर्ति स्थापित है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये नहीं है, ये एक्चुअली साइड में है। ये देखिए छोटा सा गेट है, छोटा सा दरवाज़ा है, मैंने जूम करके दिखाया है। एक्चुअली वो दरवाजे के अंदर से दिखता भी नहीं है, बहुत बड़ी अंदर में मूर्ति है। तो गणेश जी की मूर्ति जस्ट कछुए के एकदम फ्रंट में गेट से बनी हुई है और कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर इसका मंदिर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं धीरे धीरे से पूजा वगैरह होने के बाद में फिर नीचे में छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनकी पूजा और जो आरती अगरबत्ती जो भी चढ़ाना होता है वो सब यहाँ पर चढ़ता है। छोटे से मंदिर में छोटी मूर्ति बनी हुई है। तो बस यहाँ पर हम वही कर रहे थे, जो पूजा थी वो यहाँ पर कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पर जो मूर्ति है छोटी सी वो गणेश जी की और शिव जी की पिंड है, तो उनकी ही पूजा होती है। तो यहाँ पर हो गई हमारी पूजा कंप्लीट। और गोवा बाय से बाय बाय करो, बाय बाय ऐसा करो। हां, तो यहाँ पर जहाँ हम हैं अभी वो फ्रेंड्स जो मंदिर है उसका बैक एरिया है, बैक साइड है। देखिए मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा मंदिर है, उसके बैक साइड में है हम लोग। और यहाँ पर बस ऐसे ही थोड़ा सा घूमते फिरते आए थे हम लोग, पूरा मंदिर का प्रीमाइसेस देखने के लिए। और इतनी है हमारी दोनों के फैमिली, मतलब बड़े पापा की और हमारी दोनों के फैमिली गए थे हम लोग। तो बड़े पापा की फैमिली से 4 जन थे और हमारी फैमिली से भी हम 4 जन थे। और यहाँ पर कुहू भी बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी। तो हम लोग कुहू की मस्ती कर रहे थे, कुहू के साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो दिख रहे हैं घर आपको, ये गांव के घर हैं और खेती भी लगी हुई है यहाँ पर। और अदासा जो है वो एक गांव है और घर के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, घरों के बीच में। तो बहुत बड़ा मंदिर है बना हुआ जो है ये। बाप रे, तो हम लोग घूमते हुए मतलब राउंड होते हुए जा रहे थे अभी वापस, क्योंकि मंदिर भी पूरा दिख जाएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर है मंकीज़, जो बंदर हैं, बहुत सारे बंदर थे यहाँ पर। तो बंदर को जो चिरौंजी होती है उसका पैकेट दिया हुआ था हमने। तो देखिए कैसे खा रहा था वो, और उसका फ़ोटो उसका वीडियो मैंने ले लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। कु क्या बोला, कु वो मंकी मामा क्या बोला कु। और देखिए यहाँ पर कुहू का रिएक्शन, एक्चुअली कुहू बहुत डरती है मंकी के नाम से, तो हम लोग उसे डरा रहे थे, मतलब देख रहे थे कैसे रिएक्ट करेगी वो। और हम लोग भी ये मंकीज़ की बहुत मज़ा ले रहे थे। एक्चुअली एक मंकी को हम लोगों ने दिया हुआ था चिरौंजी, तो वो दूसरे बंदर को नहीं दे रहा था, वो खुद अकेले ही खा ले रहा था। तो हम लोग वही देख रहे थे। और हम लोग आ गए हैं, वापस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बियर्स है वो कैसे लकड़ी को एकदम चिपक के पकड़ के हैं एकदम प्यार से। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये लिया था यहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं वापस। और वापस जाते जाते कुहू के पापा और कुहू के चाचू दोनों कुहू को चिढ़ाते हुए जा रहे थे, कुछ तो चिढ़ा रहे थे पता नहीं क्या। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में ही ये मंदिर पड़ा था, तो मैंने आप लोगों को ये नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने इसका शूट बाद में किया, इसलिए मैंने आपको तब नहीं दिखाया था और बताया भी नहीं कुछ इसके बारे में। तो बाहर में नंदी जी जो है, नंदी जी की मूर्ति बनी हुई है और अंदर में शेषनाग की और शिव जी की पिंड है अंदर, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। देखिए कुछ ऐसी है मूर्ति। तो ये जैसे मंदिर में एंट्री लेते हैं हम, उसके स्टार्टिंग में ही है ये मंदिर, छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। सारे मंदिर की पूजा पाठ होके घूमने के बाद में हम लोग थोड़ा सा बैठे थे यहाँ पर। तो देखिए कुहू मैडम का एंजॉयमेंट, कितनी होशियार है ना। दादू को दे दो। हाँ, दादी को दे दी रहे, जिसका है उसी को दी वापस उसने। तो फ्रेंड्स आप लोग तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मेरी कुहू कितना एंजॉय कर रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी अपनी दादी के साथ में, बड़ी दादी छोटी दादी दोनों के साथ में मस्ती कर रही थी। उसको बहुत स्पेस मिल रहा था तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही थी वो, उसे बहुत मज़ा आया आज का दिन तो। और उसके बाद में साइड में मतलब थोड़ा आगे में ही ये शेषनाग जी की पिंडी बनी हुई है, शेषनाग जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर फिर से मंदिर हैं, मंकीज़ हैं बहुत सारे। और देखिए छोटी छोटी सी पिन रखी हुई है यहाँ के बंदरों को देख के आया ना, ये नहीं पता कि किस चीज़ के और कैसे रखी हुई है। तो ये छोटी छोटी सी पिंडियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर, और शेषनाग जी की मूर्ति है यहाँ पर। फिर से यहाँ पर जो बंदर हैं वो आ गए थे पास में, और वो के तो पापा हाथ से उन्हें खिला रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था बट वो हाथ से खिला रहे थे और बहुत अच्छे थे जो बंदर हैं वो, क्योंकि कुछ कुछ जगह के जो बंदर होते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ पर वही मंदिर की मैं पूजा वगैरह कर ले रही थी क्योंकि हम बस निकलने वाले थे यहाँ से। तो उसी प्रेमाइसिस में, अदासा मंदिर के प्रेमाइसिस में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। सोचा कुछ तो भी स्टफ़ कर लें, थोड़ा बहुत खा लें क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। तो थोड़ा सा हम लोग खाने के बाद में फिर बाहर निकलने वाले थे। ये है मेरी फैमिली जो सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग कुछ तो खाने के लिए, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा मिला नहीं है इसलिए साबूदाना वड़ा का ऑर्डर दिया था हम लोगों ने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं था हमें, इसलिए हम लोगों ने छोटा मोटा सा। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, देखो ना देखो, आ गए हैं ढाबा। ढाबा जाना प्लान में नहीं था लेकिन बहुत टाइम हो गया था, घर जाके खाना बनाना पड़ता है, इसलिए हम लोग आ गए थे ढाबा। और फैमिली के साथ में वगैरह हम लोग खाना वाना खाएंगे यहाँ पर। तो ये है मेरी फैमिली जो हम लोग खा रहे खाना। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने आज के व्लॉग में देखा, हम लोग गए थे अदासा टेम्पल पूरी फैमिली के साथ में। पूरी फैमिली इन द सेंस मेरी फैमिली थी और बड़ी मम्मी की फैमिली थी, हम दोनों फैमिली गए थे अदासा टेम्पल। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, कुहू ने भी बहुत इन्जॉय किया। फ्रेंड्स आपने तो देखा ही कुहू ने कितना इन्जॉय किया और बहुत मस्ती की कुहू ने भी। अदासा टेम्पल गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है। घूमने में काफ़ी मज़ा आया, मैं तो फर्स्ट टाइम गई हुई थी वहाँ पर। कर्मेश्वर के आगे आता है अदासा टेम्पल, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स आप लोग अगर नागपुर से हैं तो और कर्मेश्वर ऐसे आसपास के एरिया से हैं तो आप लोग जाइएगा जो नहीं गए हैं। बहुत अच्छा स्पॉट है घूमने के लिए भी और पूजा करने के लिए भी। एंड आते आते हम लोग ढाबा चले गए थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो घर पे आके खाना बनाना और खाना बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाता इसलिए। और हम लोग फैमिली के साथ में बहुत दिन से कहीं बाहर भी नहीं गए थे तो सोचा चलो आते आते ढाबा में खाना खा लेते हैं। तो ढाबा में खाना वगैरह खाया हम लोगों ने, बट मैंने शूट नहीं कर पाई ढाबे के अंदर का कुछ भी सीन क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। बस हम लोग ने फटाफट से खाए और उसके बाद में हम लोग अभी घर आ गए हैं। फ्रेश हो गई हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से, और कुहू भी सो गई है, मैं भी सोने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का मैं अभी यहाँ पर एंड कर दूँ और आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँ अच्छे से, इसलिए मैंने ब्लॉग यहाँ पे थोड़ा सा किया है, अपना शूट किया। और बस ऐसा था मेरा आज का ब्लॉग, छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग था। कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड हाँ, मेरे ब्लॉग्स कम आ रहे हैं आजकल बट कोई नहीं, जितने भी ब्लॉग्स मेरे आ रहे हैं तो आई होप कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे मेरे ब्लॉग्स को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।